राखी पर भाई बहन के लिए आई ऐसी खुशखबरी कि भाई और बहन की बदल गई सारी जिंदगी। पूरा परिवार सालों से जिस खुशखबरी का कर रहा था इंतजार, उसी खबर ने कैसे बदल दिया भाई बहन का पूरा संसार। पूरा गांव मिठाई लेकर पहुंच गया घर, जो राह चलते पूछते भी नहीं थे वो भी गुलदस्ता देकर देने लगे बधाई। रातों रात ऐसी ही खबर आई जिससे पूरे गांव मोहल्ले का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जहां अपने दम पर सारे के सारे लोग जज बन गए। पहले पिता जज थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे भी जज बने। उसके बाद परिवार का बड़ा बेटा भी जज बन गया और अब की बार रक्षाबंधन के दिन एक साथ डबल खुशखबरी आ गई, परिवार के बाकी दो बच्चे भी जज की परीक्षा में सेलेक्ट हो गए। ये कहानी आई है ताज नगरी आगरा से। परिवार में पिता भी जज थे, बड़े भाई भी थे जज, छोटे भाई बहन ने भी ऐसी मेहनत की कि वो भी बन गए जज, और ये खुशखबरी राखी वाले दिन ही उन्हें मिली। दरअसल आगरा के भाई बहन ने रक्षाबंधन के मौके पर अनोखी खुशखबरी दी। इन दोनों भाई बहन का सिलेक्शन एक ही साथ PCS जे की परीक्षा में हुआ। परिवार के दो सदस्य पहले से ही ठीक इसी परीक्षा को पास करके जज बन चुके थे, अब दो और नए लोगों का सिलेक्शन हो गया। ये दोनों भाई बहन आगरा के कालिंदी विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। पिता और भाई की राह पर चलकर उन्होंने इतिहास कायम कर लिया। परीक्षा परिणाम आने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को PCS जे परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें आगरा के रिटायर्ड जज RB मौर्य के बेटे सुधांशु सिंह और शैलजा सिंह ने सफलता हासिल की। सुधांशु को जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 276वीं रैंक मिली, वहीं बेटी शैलजा ने भाई से अच्छा रैंक हासिल किया। शैलजा को पूरे उत्तर प्रदेश में 51वां रैंक हासिल हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन दोनों की ये कामयाबी अपने पहले प्रयास में ही आई थी, यानी दोनों ने जी तोड़ मेहनत की और जिस हिसाब की मेहनत परीक्षा पास करने के लिए चाहिए थी वैसी मेहनत हुई। रक्षाबंधन के त्योहार पर आए नतीजे ने परिवार में खुशियां बिखेर दी। माँ डॉक्टर सुमनलता और चाचा दुर्लभ सिंह और विचित्र सिंह खुशी से झूम उठे। रिश्तेदार और जान पहचान वाले परिवार को बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। देखते ही देखते घर पर भीड़ लग गई। सुधांशु सिंह के पिता आरबी सिंह मौर्य एतमादपुर तहसील खंडौली के गांव नगला अर्जुन के रहने वाले हैं। वो जुलाई में एटा जिले के जज के पद से रिटायर हुए। आरबी सिंह मौर्य के बड़े बेटे अर्जित सिंह मौर्य यूपी के भदोही जिले में सिविल जज हैं। शैलजा और सुधांशु ने अपने भाई और पिता की राह पर चलकर अपने पहले ही प्रयास में न्यायिक मजिस्ट्रेट की परीक्षा को पास कर लिया है। वैसे इन दोनों भाई बहन की कामयाबी बहुत पड़ी है, और आप इस कामयाबी पर इन दोनों को कैसे शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।